प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंदौर दौरे को लेकर एसपीजी ने सुरक्षा प्लान तैयार कर लिया है। डीआईजी कार्यालय में हुई इस अहम बैठक में पुलिस महकमे से लेकर कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। इंदौर पहुंचे एसपीजी के स्पेशल ऑफिसर। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर की बैठक, पुलिस महकमे के कई अफसरों के साथ प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंदौर यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था की कमान एसपीजी अपने हाथों में ले लेगा। इसी कड़ी में एसपीजी के स्पेशल ऑफिसर इंदौर पहुंचे, जहाँ सुरक्षा को लेकर मंथन किया गया। डीआईजी कार्यालय में एसपीजी के स्पेशल ऑफिसर्स ने पुलिस महकमे के बड़े अफसरों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करीब 15 विभागों के अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर चर्चा की। इस दौरान मंथन किया गया कि किस तरह से पीएम मोदी की सुरक्षा को अभेद रखा जाए। मुख्य तौर पर एसपीजी की भी जो सुरक्षा है तो टीम आई है, और उसके साथ साथ आयोजक जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं, और साथ साथ विभिन्न विभागों के लगभग अलग अलग लगभग 15 से 20 विभागों के अलग अलग प्रतिनिधि थे। इसमें सुरक्षा व्यवस्था को कैसे अभेद्य रखा जाए, और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था में अभेद होने के साथ साथ आम व्यक्ति को कम से कम असुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए, इनमें उचित समन्वय के साथ व्यवस्था की जाए, इसको लेकर के इसमें तैयारी की गई। लगभग 4000 से ज़्यादा का बल इस पूरी व्यवस्था में तैनात रहेगा। एसपीजी से पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक और कुछ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं, एक बड़ी टीम है। मुख्यतः क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लिए एसपीजी की एक सशक्त टीम होती है। साथ ही साथ पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है, पूरी जिम्मेदारियां आपके लिए जो राज्य पुलिस यानी कि जो स्थानीय पुलिस, और साथ साथ विभिन्न विभागों के लोग, जिसमें पीडब्ल्यूडी, इसमें नगर निगम, इसमें खाद्य, इसमें इलेक्ट्रिक, इसमें मीडिया, इसमें हर विभागों के जो लोग होते हैं, जिनकी सबकी जिम्मेदारियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, उनके साथ उचित समन्वय हेतु ये पूरी बैठक आयोजित की गई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो प्रस्तावित यात्रा है, उसको लेकर सभी विभागों के साथ में खासतौर पर सुरक्षा संबंधी ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कि चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, सभी की जो भी भूमिकाएँ हैं, चाहे वो एयरपोर्ट से संबंधित हो, रूट से संबंधित हो, या कार्यक्रम स्थल से संबंधित हो, उस संबंध में चर्चा की गई है, और जिसको जो भी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, तो उनकी सभी का निर्वहन करेंगे। और प्रधानमंत्री जी की यात्रा ये सकुशल बहुत ही सफल यात्रा है। पीएम मोदी 14 सितंबर को दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु सैदना सैफुद्दीन से मुलाकात करने इंदौर आएंगे। इस दौरान शहर का सुरक्षा प्लान इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।